हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशाज किचन। कैसे हैं आप सब? आज आपके सामने एक मैं नई रेसिपी लाई हूँ। नई रेसिपी है, अरबी डिश है वो, फ्रीट बोलते हैं उसको। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये डिश अरबी लोग बनाते हैं, अक्सर रमज़ान में ही बनती है ये डिश, बहुत टेस्टी होती है। चलिए अब हम शुरू करेंगे यहाँ के रमज़ान की फेवरेट रेसिपी है ये। हम पहला स्टेप शुरू करेंगे हमारे फ्रीट बनाने का। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे हम। अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल, 3 टेबल हमें इसकी पहले हंडी बनाना है, फिर बाद में हम इसकी दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी गोश्त, मैंने 1/2 किलो गोश्त लिया है, मैंने बिना हड्डी के लिया है। आप चाहे तो बोनलेस का भी ले सकते हैं और बिना बोनलेस का भी ले सकते हैं। मैंने इसको मीडियम पीसेस में कट करके वॉश करके रखा है। अब हम इसको सारे चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप पानी और 1 तेज़पत्ता लीव इसमें ऐड करूँगी। अब हम इसको स्लो मीडियम गैस पे हम इसको पका लेंगे ताकि हमारा गोश्त जब तक गल ना जाए। हम अब इसको 20 मिनट तक लीड बंद करके पका लेंगे, जब तक हमारा गोश्त सॉफ्ट ना हो जाए हम उसको जब तक पका लेंगे। आगे की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने 3 मीडियम टमाटे लिए है, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है ऐसा, और मैंने 1/6 भिंडी के पीसेस लिया है, उसको 2 पीसेस में मैंने कट कर लिया है, और मैं 1 मीडियम गाजर लिया है, उसको भी ऐसा क्यूब्स में कट कर लिया है, और मैं 1 मीडियम बैंगन लिया है, उसको भी मैंने ऐसा क्यूब्स में कट कर लिया है, और कद्दू है, मैंने छोटा सा कद्दू लिया है, उसको भी मैंने 2 पीस में ऐसा कट कर लिया है मीडियम साइज़ का, और मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उसको भी मैंने 2 पीस में कट कर लिया है। अब हम सारी तरकारियों को बॉईल कर लेंगे। ये तरकारी की है रेसिपी, इसमें तरकारी भी जाती है। चलिए अब हम सारे तरकारियों को बॉईल कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी ड्राई मेथी भी लिया है, जो छोटी मेथी होती है वो लिया है मैंने। अब मैं इसको इसमें पानी डाल के सोक करके रख दूंगी, फिर ये थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। ये छोटी मेथी इंडिया में मिलती है, आप फ्रेश फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, यहाँ नहीं मिलती है, गल्फ़ में छोटी मेथी नहीं मिलती है, इसीलिए मैं इसको ड्राई करके रखती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। हमारी थोड़ा हंडी चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से गल गई है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने टमाटे जो मैंने कट करके रखे हैं टमाटे इसमें ऐड कर दूंगी, और हमारे टमाटे भी इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, हम इसको पका लेंगे। चेक कर लेंगे हमारे टमाटे भी
अच्छे से पक गए, अच्छे से गल गए इसमें, और हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको हमने अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक गिलास पानी। इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो हमने बॉईल करके रखी थी हमारी तरकारी, हम वो सारी इसमें मिक्स कर देंगे। बैंगन, आलू, गाजर, भिंडी, कद्दू, हम सब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ब्लैक लेमन, काला नींबू साबित और थोड़े से करी लीव्स। अब हम सारे तरकारी के साथ इसको पका लेंगे अच्छे से बॉईल आए तक हो जाए। ये अक्सर रमज़ान में अरबी लोग यही रमज़ान में ही बनाते हैं ये फ्रीड। इसको रोटी से खाते हैं, रोटी चूर के इसमें रोटी गोश्त में भिगा के चेरवे में तरकारी से गोश्त से लगा के खाते हैं। बहुत टेस्टी और डिलीशियस होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारे तरकारी अच्छे से पक गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने मेथी भिगो के रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मेथी से बहुत टेस्ट अच्छा होता है, इसके लिए मेथी डाल रहा है। थोड़ी देर और हम इसको पका लेंगे। ये देखिए हमारी फ्रीड तैयार हो गई है, इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए अब हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। डिश में रोटी को चूर लिया है, आप कौन सी भी रोटी यूज़ कर सकते हैं, ये खुशबू से है। आप घर की गेहूँ की रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वो शेरवा ये रोटी पे डाल दूँगी। देखिए ये हमारा शेरवा है, अब हम इसको लेंगे। पहले शेरवा हम रोटी के अतराफ से डाल देंगे। रोटी को शेरवे में सोक करके रखना है अभी, जब तक हमारी रोटी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। सब सारा हम रोटी पे ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारी फ्रीड तैयार हो गई है। ये अरबी डिश है एक, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।